न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह। हर वक्त जहर उगलने वाले गौतम गंभीर की पेशगोई। साबिक भारतीय क्रिकेटर ने कौमी टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बाबर आजम को मुस्तकबिल का अजीम खिलाड़ी करार दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच में पाकिस्तान की जानिब से न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के बाद हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले साबिक भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने रद्द अमल देते हुए बड़ी पेशगोई कर दी है। एक भारतीय टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए गौतम गंभीर ने पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम की कारकर्दगी की तारीफ की। इस दौरान गौतम गंभीर ने कहा कि बाबर आजम ने जिस किस्म की शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, इन्हें वो एक अजीम क्रिकेटर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाज़ह रहे कि ICC वर्ल्ड कप के 33वें मैच में पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त देकर अपनी सेमीफाइनल खेलने की उम्मीदें मजीद बढ़ा ली हैं। कीवीज़ के 238 रन्स के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान के लिए फ़खर जमान और इमामुल हक पर मुश्तमिल ग्रीन शर्ट्स ने इनिंग्स का आगाज़ किया तो तीसरे ही ओवर में 19 रन्स पर फ़खर जमान कैच आउट हो गए। उन्होंने 2 चौकों की मदद से 9 रन्स बनाए जबकि 44 के मजमूए पर इमामुल हक भी चलते बने और वो 19 रन्स बना सके। नए आने वाले बैट्समैन मोहम्मद हफीज़ और बाबर आजम ने तीसरी विकेट की शराकत में कीमती 66 रन्स जोड़कर टीम की पोजीशन को मुस्तकिम किया। ताहम जब मजमूई स्कोर 110 पर पहुंचा तो मोहम्मद हफीज़ 32 रन्स बनाकर बाबर आजम का साथ छोड़ गए। इसके बाद बाबर आजम और हारिस सुहेल ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए पाकिस्तान को जीत दिलवाई और बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में अपनी पहली सेंचुरी भी स्कोर की।